हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी मॉन। आज हम बनाएंगे फायरलेस चॉकलेट केक। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये केक बहुत ही आसानी से बन जाता है और सिर्फ 5 से 10 मिनट में बन जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट। चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। अब हम लेंगे 2 चम्मच चीनी और इसमें हम डालेंगे 6 से 7 चम्मच पानी और इसे हम घोल लेंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। तो ये देखिए, चीनी घुल चुका है, तो इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हम एक प्लेट पे पिघला हुआ चॉकलेट लगाएंगे थोड़ा सा बेस में। ये देखिए, थोड़ा सा चॉकलेट इस तरह से लगा दीजिए और फिर हम इस पे रखेंगे ब्रेड। तो यहाँ पे आप वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड लगाने के बाद हम इस पे लगाएंगे जो हमने पानी में चीनी घोला था, उसे लगा लेंगे इस पे। तो इस तरह से ब्रश की मदद से हम इस पे चीनी वाला पानी लगा देंगे। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे फिर से हमारा मेल्टेड चॉकलेट। हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे ब्रेड पे। ये देखिए, हम इसे चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से स्प्रेड कर सकते हैं। तो चॉकलेट स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर एक दूसरा ब्रेड रख देंगे और फिर इसके ऊपर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम फिर से इस पे चीनी वाला पानी लगा देंगे और फिर हम इस पे चॉकलेट स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद हम इस पे तीसरा ब्रेड भी रख देंगे और फिर से हम इस पे चीनी लगाने के बाद चॉकलेट लगाएंगे और फिर इस पे हम अपना फोर्थ ब्रेड भी रख देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे चौथा ब्रेड भी रख दिया। अब हम इस पे जो हमारा मेल्टेड चॉकलेट बचा हुआ है उस सब को इस पे डालेंगे और अच्छे से ब्रेड को कवर कर देंगे चॉकलेट में। ये देखिए, पहले इस तरह से ऊपर डालिए और फिर इसे अच्छे से फैलाइए चम्मच की मदद से। इसे हम पूरे ब्रेड पे लगाएंगे, अच्छे से कवर करेंगे ब्रेड को। इससे जो हमारा केक है वो बहुत ही चॉकलेटी बनेगा। हमने लेयर्स में भी चॉकलेट लगाया है और हम इसे अच्छे से चॉकलेट में पूरा कवर कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा चॉकलेटी केक बनके तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखिए, आप इसे अच्छे से चारों तरफ से कवर कर दीजिए। आप डेरी मिल्क की जगह डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको भी इंस्टेंट केक बनाना हो और आपके पास टाइम नहीं हो तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार होता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है और ये सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, हमारा केक जो है वो बहुत अच्छी तरह से कवर हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हमने जो वाइट चॉकलेट मेल्ट किया था उसे इस तरह से इस पे डेकोरेट कर देंगे केक को। हम इस पे कोई भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे घर पे बना हुआ पाइपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इसका DIY वीडियो देखना है तो मैं यहाँ लिंक दे दूंगी आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं मैंने ये कैसे बनाया है। हम इसे बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं ऐसा पाइपिंग बैग। तो वाइट चॉकलेट से सजाने के बाद अब हम इस पे ग्राइंड किए हुए बादाम से सजा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बादाम और अखरोट को ग्राइंड कर लिया है और उससे मैं इसे बॉर्डर दे रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। ये देखिए, हम चारों तरफ इस तरह से सजा लेंगे। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। अब आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा डेकोरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये चौको रोल्स लगा दे रही हूँ, इससे ये और भी सुंदर लगेगा दिखने में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है और कोई बता नहीं सकता कि ये हमने ब्रेड से बनाया है। और जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही आसान है बनने में, सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और ये खाने में भी बहुत चॉकलेटी और टेस्टी लगता है। तो जैसा कि आपने देखा, ये केक बनाना कितना आसान है, इसमें कोई ओवन या फिर
मैदा, दूध, गैस, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।